हूँ ज्योति जस्मिन अदर गर्ल, थैंक यू सो मच फॉर स्टॉपिंग बाय। और वीडियो के टाइटल से आपको पता ही चल गया होगा कि आज के वीडियो में मैं सबके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा मिंट्रा का विंटर वेयर शॉपिंग हॉल। बेसिकली सारे क्लोथिंग आइटम्स ही हैं, जैकेट, स्वेटर एंड स्वेट शर्ट, कुछ भी अभी तक मैंने एक्सेसरीज, शूज़ वगैरह इस सीजन में विंटर से रिलेटेड नहीं खरीदा है। एंड वैसे तो मैंने सेल में कुछ भी नहीं लिया, मतलब जब मैंने शॉप किया था तो सेल नहीं चल रही थी, मुझे जितनी ज़रूरत थी उतना मैंने ले लिया। बट जो भी चीज़ें मैंने ली है सब कुछ डिस्काउंट पे ही ली है। बहुत रेयरली ऐसा होता है कि मैं ऑनलाइन कोई चीज़ मंगा रही हूँ और मैं उसको MRP पे खरीदूँ। मुझे कोई भी चीज़ पसंद आती है मैं विशलिस्ट में सेव कर लेती हूँ और जब उस पर ऑफ आता है तो ही मैं उसको लेती हूँ। एंड जितने ऑफ मैंने लिया है आई डोंट थिंक कि ये चीज़ें इससे ज़्यादा ऑफ पे जाएंगी, तो मुझे काफ़ी अच्छी डील मिली है सारी चीज़ों में। बट मिंट्रा पे स्टार्ट हो रही है 22nd से 25th दिसंबर तक सेल स्टार्ट हो रही है, तो आप उस सेल का फ़ायदा उठा सकते हैं। कोई भी चीज़ आपको पसंद है तो मैं कहूँगी कि सेल में ही खरीदे। एंड जो भी चीज़ें मैं दिखाने वाली हूँ वो भी अभी अवेलेबल है, मैंने चेक करा था, तो उनका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर आपको कुछ भी पसंद आता है तो आप सेल में जाकर खरीद सकते हैं। मैंने किस प्राइस पे लिया वो सब कुछ मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूँगी, ओरिजिनल प्राइस, सेल प्राइस। एंड आज का हॉल जो है वो ट्राई ऑन हॉल है, तो आप देख भी सकेंगे कि वो चीज़ें मुझ पर कैसी लगती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करेगा, शेयर ज़रूर करेगा और चैनल पर इसी तरीके के ढेर सारे वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करिए। एंड चलिए शुरू करते हैं। तो इस बार मैंने कुछ नए ब्रांड्स भी ट्राई किए हैं जिनके कपड़े मैंने कभी भी नहीं खरीदे थे। तो जो सबसे पहली चीज़ है वो है ये येलो कलर की स्वेटशर्ट फ्रॉम द ब्रांड मास्ट एंड हार्बर, और ये है साइज मीडियम में। पहले मैंने स्मॉल मंगाया था तो वो मुझे थोड़ी सी कहते हैं ना कि बिल्कुल फिटिंग वाली थी, और मुझे विंटर वेयर जो है वो थोड़े से लूज अच्छे लगते हैं, तो इसकी फिटिंग मुझे स्मॉल से ज़्यादा अच्छी लगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिंपल सा लिखा हुआ है, क्या लिखा है, एंटी बोरिंग, और बाकी पीछे पूरा प्लेन है। ये राउंड नेक है इसका, मुझे इसका कलर बहुत ज़्यादा प्यारा लगा। ये वैसा तड़कीला भड़कीला वाला येलो नहीं है जो आँख में चुभता है, बहुत ही काम और बहुत ही सूदिंग येलो है, पहनने पर बहुत अच्छा लगता है। एंड यहाँ फुल स्लीव्स है इस तरीके के, यहाँ पे ये कफ दिए हुए हैं, रिब्ड लाइक हेम है, एंड सिंपल सी बेसिक सी स्वेटशर्ट है। इसका प्राइस मैं आपके स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी, इसकी ओरिजिनल प्राइस मैंने कितने पे खरीदा मैं बता देती हूँ। मैंने लिया था 887 रुपीज में, एंड मैं कहूँगी कि ऑब्वियसली ओरिजिनल प्राइस पे तो नहीं खरीद सकते आप, नॉट उसके लायक तो नहीं, बट जिस प्राइस में मैंने लिया 887 में, लाइक अंडर अगर आपको 1900-1800 के मिल रहा है तो आप इसके लिए जा सकते हो, क्योंकि क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। लाइक मास्ट एंड हार्बर, पता नहीं मैंने पहले क्यों नहीं इसे शॉप किया, बट काफ़ी अच्छी क्वालिटी है इसकी। एंड दोपहर वोपहर में अगर धूप निकले बाहर जा रहे हैं तो एक थर्मल पहन के आप इसको पहन लीजिए, दैट्स इट। एंड नॉर्थ में तो इतनी ठंडी पड़ती है कि लेयर करना ही पड़ता है, ऊपर से जैकेट स्वेटशर्ट तो आपको रात को शाम को लेना ही पड़ेगा, बट काफ़ी अच्छा है ये। मैं इसको पहन के बाहर भी जा चुकी हूँ, बहुत ही कम्फर्टेबल है, एंड क्वालिटी मुझे इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है। ये जो है कॉटन एंड पॉलिएस्टर मिक्स है, बट काफ़ी कंफर्टेबल है। नेक्स्ट जो स्वेटशर्ट है वो भी मास्ट एंड हार्बर की ही है, और वो है ये स्ट्राइप्ड ब्लैक एंड वाइट क्रॉप्ड स्वेटशर्ट, और यहाँ पे ये लिखा हुआ है ये है इन द साइज स्मॉल, और इसकी भी ओरिजिनल प्राइस मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी, बट मैंने इसको लिया था 646 रुपीज में। इस तरीके का ये कुछ दिखता है, एंड पीछे से इस तरीके से स्ट्राइप्स हैं और क्रॉप्ड पैटर्न है ये। पहले मैंने इसका मीडियम साइज मंगाया था, बट मीडियम मुझे काफ़ी ज़्यादा ढीला था, तो स्मॉल फिर मैंने मंगाया, स्मॉल बहुत सही आ रहा था। एंड ये इसका जो पैटर्न है वो थोड़ा सा लूज फिटिंग वाला है, जनरली जो क्रॉप्ड स्वेटशर्ट होते हैं थोड़ा सा लूज फिटिंग के ही होते हैं, तो इसका पैटर्न लूज फिटिंग वाला है, पहनने में बहुत अच्छा लगता है। एंड मैं क्वालिटी की क्या बात करूँ, ओ माई गॉड, बहुत अच्छी क्वालिटी मिली है मुझे, मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने अच्छे प्राइस में इतनी अच्छी क्वालिटी मिलेगी। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई एम सेइंग दिस कि ये क्वालिटी की चीज़ें आपको फॉरएवर 21, H&M, ज़ारा में 2000 या उसके ऊपर आराम से मिलेगी, तो इसकी क्वालिटी उतनी अच्छी है। पहनने में ये काफ़ी वार्म करता है, आप इसको लेयर कर सकते हो जैकेट पैकेट के साथ, बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश भी दिखता है, तो मैं कहूँ कि मेरे पूरे हॉल में से ना ये फेवरेट पीस है मेरा। नेक्स्ट अगेन मैंने क्रॉप्ड स्वेटशर्ट ली है फ्रॉम द ब्रांड टोक्यो टॉकीज, जिसमें यहाँ पे ये हुड भी दी हुई है, एंड इसके क्या कहते हैं इसको, स्लीव्स पे ये इस तरीके का पैटर्न दिया हुआ है, थोड़ा आर्मी आर्मी वाला सा पैटर्न दिया है, इस तरीके की कुछ इसकी स्लीव्स है, और ये क्रॉप्ड है। इसको भी पहन के मैं बाहर जा चुकी हूँ, काफ़ी अच्छा लगता है देखने में, पहनने में, और ये है इन द साइज लेट मी चेक, तो इसका जो साइज़ है वो है मीडियम, पहले मैंने मंगाया था स्मॉल, बट जैसा कि मैंने कहा कि मुझे थोड़े से लूज फिटिंग वाले कपड़े अच्छे लगते हैं विंटर वेयर में, तो ये हल्का सा मुझे लूज़ है, लाइक इसकी फिटिंग मुझे मीडियम साइज़ की ज़्यादा अच्छी लगी। तो ये कुछ इस तरीके का है, बिल्कुल प्लेन है, कुछ लिखा विखा नहीं है, कुछ बना वना नहीं, बट स्लीव्स पे ये जो दिया हुआ है ना डिज़ाइन, इसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा और स्टाइलिश लगता है। इसको मैंने पेयर किया था ब्लैक जीन्स एंड बूट्स के साथ, एंड बहुत ज़्यादा स्टाइलिश लग रहा था, इंस्टा पे मैंने पिक्चर भी डाली है, तो
तो अगर आप वो देखना चाहते हैं तो मेरी इंस्टा आईडी यहाँ के मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी, आप वहाँ जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं, वो पिक्चर देख सकते हैं। एंड इसके ओरिजिनल प्राइस कुछ 1200-1300 के आसपास थी, बट मैंने इसको लिया है 564 रुपीज़ में। एंड 564 रुपीज़ में क्या सही चीज़ मिली है, मतलब टोक्यो टॉकीज एक ऐसा ब्रांड है ना, मतलब मैं उसके कपड़े रेकमेंड कर सकती हूँ। उसकी 2 जीन्स भी मेरे पास है, ऑसम क्वालिटी है, बहुत ज़्यादा पहन पहन के घिस दिया है मैंने, बट फिर भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। एंड ये भी बहुत ही अच्छे मटेरियल का है, मतलब अगर आप कॉलेज गोइंग हो और आप बजट में देख रहे हो, लाइक 600-700 के अंडर आपको स्वेटर स्वेटशर्ट चाहिए, तो आप टोक्यो टॉकीज ब्रांड ज़रूर ट्राई कर सकते हो। आप ऑफिस जाते हो, डेली यूज़ के लिए आपको कुछ चाहिए, तो भी आप ये ब्रांड ट्राई कर सकते हो। ये तो मेरा जो पैटर्न है ये क्रॉप्ड है, बट सेम पैटर्न में एक रेगुलर लेंथ का भी था और एक जैकेट भी थी, तो मैं इसका लिंक दे दूंगी, आप देख सकते हैं। बट टोक्यो टॉकीज से मैं अभी सेल आएगी तो एक दो और स्वेटशर्ट्स एंड स्वेटर जरूर लेने वाली हूँ। मैंने लास्ट ईयर भी टोक्यो टॉकीज का 2 हाईनेक स्वेटर लिया था, लाइक जैकेट वैकेट के साथ पेयर करने के लिए, और वो भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। एंड इनके प्राइसेस अगर अभी अमेजिंग रहते हैं तो ये ब्रांड आप एक बार जरूर चेक करिएगा। नेक्स्ट आइटम है ये स्वेट शर्ट जो मैंने पहनी हुई है, ये है फ्रॉम द ब्रांड एलसेश लोरेन पेरिस। आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, मुझे नहीं पता सही प्रोनाउंसिएशन क्या है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये रस्ट ऑरेंज कलर का स्वेट शर्ट है, एंड ये कलर इस बार मैं विंटर वेयर में बहुत ज़्यादा देख रही हूँ, एंड काफ़ी अच्छा भी लगता है। लाइक इंडियन स्किन टोन पर, चाहे आप कोई भी स्किन टोन के हो, इंडियन स्किन टोन पर ये कलर काफ़ी ज़्यादा फपता है। मैंने बड़े बड़े ब्रांड्स में भी, फॉरएवर 21 में, H&M में भी ये कलर देखा, छोटे छोटे ब्रांड्स में भी देखा, तो ये कलर बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। इसमें पीछे हुड भी दी हुई है एंड नीचे कैंगरू पॉकेट्स है, आप यहाँ पे कहीं वीडियो में मैं डाल दूंगी, ट्राई ऑन आप देख लीजिएगा। एंड इस जो मुझे जिस प्राइस पे मिला है वो है 674 रुपीज़। एंड इस तरीके की इसकी स्लीव्स है, पफ वाली स्लीव्स है, तो कुछ ज़्यादा ही पफी पफी सी लगती है इसकी स्लीव्स। मैं कहूँगी कि मुझे इसके फिटिंग में थोड़ा सा इशू है, फिटिंग इन द सेंस कि इसका जो शेप है, वैसे फिटिंग गड़बड़ नहीं है, बट इसका जो शेप है स्वेटशर्ट का ओवरऑल, वो बिल्कुल ऐसा स्क्वायर, ऐसा सीधा सा शेप है। कैसे होते हैं स्वेटशर्ट थोड़ा सा इस तरीके से होते हैं, ये बिल्कुल ऐसा सीधा शेप है। मतलब इसको पहनोगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे कुछ झोला वोला का बना के हमने पहन लिया है। सच में इसकी फिटिंग वैसी ही लगती है, तो ये थोड़ी सी मुझे इसमें इशू लगा। बट अगर मैं मटेरियल की बात करूँ ना, तो मटेरियल बहुत अच्छा है, काफ़ी वॉर्म है अंदर से। यहाँ पे ये थोड़ा सा फजी फजी काइंड ऑफ मटेरियल है, बिल्कुल सॉफ्ट सा एंड कोजी सा फजी वाला मटेरियल है, तो अंदर से मतलब ये काफ़ी वॉर्म करता है, तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। प्लस इसमें कैंगरू पॉकेट्स है जो कि सर्दियों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, हुड भी है। तो जिस प्राइस में मुझे मिला है उस प्राइस में ये मुझे काफ़ी सही लगा, बट अगर ये थोड़ा सा भी ज़्यादा होता ना, लाइक 800-900 रुपए का होता, तो मैं पक्का इसको रिटर्न कर देती, क्योंकि फिर इसकी जो शेप है ना, बड़ी अजीब सी शेप है। इसको पहन के मैं ऐसे कहीं फैंसी, जब मुझे तैयार होकर जाना हो तो मैं नहीं जा सकती, बट ऑब्वियसली घर में पहनने के लिए, ऐसे कोचिंग वगैरह ट्यूशन वगैरह जाने के लिए, मार्केट जाने के लिए, इधर उधर अगल बगल में जाने के लिए, तो काफ़ी सही है। और मुझे सही, सबसे सही इसकी क्वालिटी लगी है। एंड इनमें काफ़ी अच्छे अच्छे डिज़ाइन भी थे एलसेश लोरेन पेरिस में, तो आप चेक कर लीजिएगा। बट अगेन वो थोड़ा सा इनके स्ट्रक्चर वाला इशू है, अदरवाइज प्राइस के हिसाब से मैं कहूँ तो क्वालिटी और जो चीज़ मुझे मिली है मुझे काफ़ी अच्छी लगी है, तो मैं रिटर्न नहीं करूँगी इसको, क्योंकि वॉर्म है, कोजी है, सो या आई लाइक इट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट है ये फॉर लेदर जैकेट, बाइकर जैकेट फ्रॉम द ब्रांड ओनली। मेरे पास एक जैकेट थी ज़ारा की, बट वो मैंने ड्राई क्लीन में दी थी और उसमें कुछ गड़बड़ी कर दी ड्राई क्लीनर ने, तो फिर मुझे एक लेदर जैकेट तो लेनी थी। मतलब विंटर में तो यार ये स्टेपल है, किसी भी आउटफिट को बिल्कुल स्टाइलिश बना देता है। तो ये लेदर जैकेट ना बहुत ही सिंपल सी प्लेन सी है, इसमें यहाँ पे ये इस तरीके का बटन दिया हुआ है कॉलर पे, ये सिंपल सी जिप दी है एंड साइड में बस एक एक से पॉकेट है और कुछ नहीं है इस जैकेट में। ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा एंड ये मैट वाला लुक देती है, शाइनी शाइनी वाला लुक नहीं देती है, तो वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। ये एक चीज़ है जो मैंने MRP पे खरीदी है, मैंने सेल पे नहीं खरीदी है, बट मैं आपसे कहूँगी कि अगर आपको जैकेट, लेदर जैकेट लेनी है, और ओनली में काफ़ी अच्छा कलेक्शन है, मैं स्टोर में जाके मैंने देखा था, ओनली में बहुत अच्छा कलेक्शन है, बट मैं आपसे कहूँगी आपको लेनी है थोड़ा सा रुक जाइए। आई थिंक मैं जब ये वीडियो डालूंगी इसके 1-2 दिन बाद ही सेल स्टार्ट होने वाली है, तो आप सेल में लीजिएगा। आई एम श्योर कि ओनली के जैकेट्स पे भी सेल आएगी, बट पहनने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत स्टाइलिश लगता है और काफ़ी सिंपल एंड सोबर सा लुक है इसका, जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। एंड इसमें आई गेस एक नेवी ब्लू कलर भी था और एक जो अपना कॉमन ब्राउन कलर आता है वो भी था, बट ब्लैक ऐसी चीज़ है जो हर चीज़ के साथ जाती है। सोया तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि लेदर जैकेट वगैरह जब आप ले रहे हो तो अच्छे ब्रांड में इन्वेस्ट करो, तो वो ज़्यादा बेटर होता है। एंड मेरा जो साइज़ है ये है 38, क्योंकि मुझे कंफर्टेबल फिट चाहिए थी, बिल्कुल एकदम जकड़ लेने वाली फिट नहीं चाहिए थी, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे इतनी ठंड पड़ती है कि सिर्फ एक जैकेट तो काम नहीं चलेगा, आपको अंदर एक वार्मर पहनना होगा, फिर ऊपर एक
फुल टी शर्ट या स्वेट शर्ट पहनोगे फिर जाके जैकेट पहन सकते हैं, तो ऐसी फिट की मुझे चाहिए थी कि स्वेटर वगैरह पे पहनूं तो सही दिखे, ऐसा कुछ अजीब सा बिल्कुल टाइट टाइट सा ना दिखे। तो 38 साइज है जो मुझे परफेक्ट आया, एंड यह जैकेट काफ़ी अच्छी है, इसका सिंपल सा मैट सा लुक है, कुछ भी ऐसा फैंसी कॉलर इधर नहीं जा रहा उधर नहीं जा रहा, 10 पॉकेट नहीं दिया, तो सिंपल सी जैकेट है एंड काफ़ी अच्छी है। एंड या ये था आज का वीडियो, बहुत ज़्यादा चीज़ें मैंने शॉप नहीं की, ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी की तरफ मेरा ध्यान रहता है कि दो ही चार चीज़ें हो बट अच्छी होनी चाहिए। एंड आई गेस कि मेरी विंटर की इस बार की शॉपिंग हो गई है क्लोथिंग के मामले में, अगर कुछ लेना होगा तो शूज़ बूट्स वो सब बाद में लूँगी, सेल में देखूंगी, एक दो घर में पहनने के लिए मैं टोक्यो टॉकीज को स्वेटशर्ट वगैरह सेल में देखूंगी, अगर सही प्राइस मिले तो ले लूँगी, अदरवाइज मेजर मेरी जो विंटर शॉपिंग है वो हो गई है। सो आप क्या क्या लोगे सेल में, आपने क्या क्या शॉप किया, या कोई और अच्छा ब्रांड जिसमें रीजनेबल प्राइस में अच्छी क्वालिटी मिलती है वो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। मैंने एक रोडस्टर का स्वेटर मंगाया था मस्टर्ड येलो कलर में, और वो 900 समथिंग का था, मतलब मुझे 900 समथिंग में मिला था, उसकी MRP 1000 से ज़्यादा थी, और उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा रद्दी थी, मतलब अगर आप दिल्ली में रहते होगे या कहीं भी जो लोकल मार्केट में जो 100-200 वाले स्वेटर नहीं आते वो क्वालिटी थी, तो मैंने तो उसको रिटर्न कर दिया। मैं उसकी भी पिक्चर यहाँ का इंसर्ट कर दूंगी, आप देख लीजिएगा। तो अगर कोई भी वो स्वेटर लेने की सोच रहा है तो बच जाएगा, बच के लीजिएगा, अगर 200, 300, 400 मिले तो ही लीजिएगा, उससे ऊपर मत लीजिएगा, मैं यहाँ का ही पिक्चर डाल दूंगी। सो यार ये था आज का वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करिए, शेयर जरूर करिए, और चैनल पर तो सब्सक्राइब करिए इसी तरीके के ढेर सारे वीडियोस देखने के लिए। और अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, टेक केयर एंड चीयर।